नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जिले में हो रहे एसपी बदलावों को लेकर कहा कि जिलों में एसपी जरूर बदल रहे हैं लेकिन हालत जस के तस है। हर तरह अपराध और वारदातें बढ़ रही हैं। प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं है जब हत्या और लूट की घटनाएं ना होती हों। पहले छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश था लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से प्रदेश अशांत हो गया है। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि 15 से 20 साल के रमन सरकार के राज्य में छत्तीसगढ़ में भूमाफिया और गोरख धंधा करने वाले बढ़ गए थे जिन्हें साफ करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। हमारा छोटा सा छत्तीसगढ़ शांति का टापू कांग्रेस की जब से सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से अपराधगढ़ में वो बदल गया और आज अपराधगढ़ के नाम से अब छत्तीसगढ़ को जाना जा रहा है। जिस प्रकार से पंजाब के लिए कहा जाता था उड़ता पंजाब है उससे बदतर स्थिति में छत्तीसगढ़ की स्थिति है। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को भूल जाती है कि 15 साल इस प्रदेश में अगर किसी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार थी और जिस प्रकार से उस समय भूमाफियाओं का अलग अलग गोरख धंधा करने वाले लोगों का जो माफिया बना जो गिरोह बना और उसी को साफ करने का काम